स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिफेंस विच करने गाइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट की वीडियो का हम लो करवा रहे थे, मतलब लॉगरिथम चैप्टर था उसका मैंने बेसिक क्लियर करवा दिया था, मतलब बेसिक से लेके एडवांस सब क्लियर करवा दिया था, उसमें इतना ही था लॉग के अंदर। तो आज प्रैक्टिस करवाते हैं, हर वीडियो में प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगी, लॉग चैप्टर है उसके अंदर प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा 81 इसकी पावर 1/4 = 3। इस टर्म को हमें लॉगरिथम की टर्म में एक्सप्लेन करना, इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम, इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम की टर्म में इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक चीज देखो भैया, हमें दे दिया इसके ऑप्शन, दे दिए हमें ऑप्शन, दे दिए ये लॉग 81 वन बाई फोर इज इक्वल टू लॉग 3, एक ऑप्शन दे दिया हमें 1/4 इज इक्वल टू लॉग 81 3, एक ऑप्शन दे दिया हमें 3 log 1/4 81, ठीक है, और 4 दे दिया none of these। तो भाई देखो इसको सोल्व करते हैं, मैंने क्या किया, बहुत साइड log कर दिया, log 81 इसकी पावर 1/4 इज इक्वल टू में log 3, 1/4 इधर आ गया, तो 1/4 log 81, क्योंकि इसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, इज इक्वल टू में लॉग 3। तो भाई मैंने क्या किया, इस लॉग को इस साइड लेके गया, तो 1/4 इज इक्वल टू में लॉग 3 अपॉन में लॉग 81, ये क्या है 1/4 इज इक्वल टू में लॉग 81 3। आपको ये चीज पता चल रही है कि 81 अगर नीचे है, लॉग 3 ऊपर है, तो ये नीचे वाला है इसका बेस बन जाता है, तो यहां पर क्या आ गया 1/4 इज इक्वल टू में लॉग 81 बेस 3। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, देखो ये हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा इस वाले की, तो दिस इज अवर आंसर। इस क्वेश्चन में क्या चीज समझ में आई आपको, कि हम अगर टर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, हमारे बेसिक चीजों को फॉलो करते चल रहे हैं, तो हमारा आंसर मतलब कि आपके सामने सही आएगा बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो देखो भैया अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा लॉग ए, ये 3 है भाई, जैसे अंडर रूट के ऊपर यहां होता है 2, ये 3 है, ये क्यूब रूट है, ठीक है दोस्तों, लॉग प्लस लॉग 1/a प्लस क्यूब रूट ए प्लस 2। अब देखो लोग कौन सी टर्म को फॉलो कर रहा हमारा, लोग ए प्लस लोग बी, इसका मतलब होता है लोग ए बी, ठीक है दोस्तों, तो करो इसको लोग ए बी करो, ए प्लस क्यूब रूट ए प्लस में बी इंटू में 1/2 में ए प्लस क्यूब रूट ए प्लस में, तो इससे ये कैंसिल, ये क्या आ गया हमारा आंसर लॉग ए, लॉग 1, या इसके बेस में ई हो, इसके बेस में 10 हो, इसका आंसर 0 ही आएगा दोस्तों, सॉरी आपको समझ में आया मैंने कैसे करवाया, ये था लॉग ए प्लस में बी सॉरी लॉग ए इंटू में बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस में बी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है लॉग के अंदर, और मैं वही प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, लॉग 3/4 इंटू में इंटू में लॉग 4/5 इंटू में लॉग 5/6 इंटू में लॉग 6/7 इंटू में लॉग 7/8 लॉग 8/9। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा, लॉग 4/ में लॉग 3 इंटू में लॉग 5/ में लॉग 4 इन 4 इंटू में लॉग 6/ में लॉग
फाइव इंटू में लोग सेवन अपॉन में लोग सिक्स इंटू में लोग एट अपॉन में लोग सेवन इंटू में लोग नाइन अपॉन में लोग एट। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने ये क्यों लिखा है कि आपको पता है कि जो बेस होता है वो ऐसे ओपन किया जाता है, अगर हमें लॉग में ओपन करना होता है तो लॉग फोर अपॉन में लॉग थ्री, तो फोर से फोर कैंसिल, फाइव से फाइव कैंसिल, लॉग सिक्स से लॉग सिक्स कैंसिल, लॉग सेवन से लॉग सेवन कैंसिल, लॉग एट से लॉग एट कैंसिल। तो क्या बच गया हमारा लॉग नाइन अपॉन में लॉग थ्री। तो लॉग नाइन में कैसे लिख सकते हैं हम लॉग थ्री की पावर टू अपॉन में लॉग थ्री, तो ये पावर इस साइड आ जाएगी तो टू इंटू में लॉग थ्री लॉग थ्री, लॉग थ्री लॉग थ्री कैंसिल, तो टू हमारा आंसर। तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। कल की वीडियो में हम लोग का मतलब जो ये चीजें हैं जो मतलब आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा अगली वीडियो के अंदर भी, और मैं चाहता हूं कि इससे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाए क्योंकि लोग सबसे चीज प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। लोग ऐसे मतलब हार्ड चैप्टर नहीं है लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है उसकी। तो दोस्तों आज की वीडियो यही पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल को विजिट करने के लिए, हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद।